नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर में। आप में से बहुत से व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी को ले रखा है और वे जानना चाहते हैं कि स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी में जब पॉलिसी टर्म पूरा हो जाएगा तो मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में उन्हें कितना पैसा मिलेगा। यदि आप भी उनमें से एक हैं और जानना चाहते हैं कि स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी में पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में कितना पैसा मिलेगा, तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और सुने। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको SBI लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी के कैलकुलेटर का प्रयोग करना सिखाऊंगा, जिसकी सहायता से यदि आप कैलकुलेटर का प्रयोग करना सीख जाते हैं तो बड़ी आसानी से यह पता कर लेंगे कि पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में आपको कितना पैसा प्राप्त होगा। तो कृपया करके वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी के सामने स्क्रीन पर SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर का ऑफिशियल पेज ओपन हो रखा है, जिसमें हमें कैलकुलेटर दिया गया है। इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। इस पेज को ओपन करने के बाद जब हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें एक नेम वाला बॉक्स मिलता है, जो कि हमारा कैलकुलेटर का पार्ट है। यहाँ पर जो भी जानकारी आपसे पूछी गई है उन सभी जानकारियों को आपको सही सही भरना होता है। जब आपने SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी को परचेज किया तो उस समय आपको एक बॉन्ड मिला। उस बॉन्ड में आपकी पॉलिसी से संबंधित सारी जानकारी भरी हुई होती है। उस बॉन्ड में से देख के जो भी जानकारी आपकी पॉलिसी से संबंधित है आपको इस कैलकुलेटर में भरना है। यहाँ पर नेम वाले बॉक्स में आपको अपना नाम टाइप करना होता है, डेट ऑफ बर्थ वाले बॉक्स में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करना होता है। उसके बाद आपसे प्लान टाइप के बारे में पूछा जाता है। स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी को देने के लिए हम प्रीमियम का भुगतान रेगुलर यानी कि पॉलिसी टर्म के अंत तक करते हैं। दूसरा ऑप्शन लिमिटेड प्रीमियम का होता है, जिसमें पॉलिसी टर्म से कुछ कम समय तक एक निश्चित राशि प्रीमियम के रूप में हमें भुगतान करना होता है। और तीसरा ऑप्शन सिंगल प्रीमियम का होता है, जिसमें हमें एक ही बार प्रीमियम का भुगतान करना होता है और हमारा पॉलिसी एक निश्चित समय तक चलता रहता है। जो भी इन तीनों में से आपने ऑप्शन पॉलिसी लेते समय लिया था उस एक ऑप्शन का चुनाव कर लेना है। उसके बाद आपसे पॉलिसी टर्म के बारे में पूछा जाता है। जो भी आपका पॉलिसी टर्म है आपको उस पॉलिसी टर्म को यहाँ पर भर देना है। उसके बाद जब हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमसे प्रीमियम फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाता है कि प्रीमियम का भुगतान आप ईयरली कर रहे हैं या सिंगल प्रीमियम के रूप में कर रहे हैं। जो भी आपका ऑप्शन है उस ऑप्शन का आप चुनाव कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन प्रीमियम अमाउंट का होता है कि आप प्रीमियम के रूप में किस राशि का भुगतान कर रहे हैं। जितना भी अमाउंट आप प्रीमियम के रूप में भुगतान कर रहे हैं उसे इस बॉक्स में टाइप कर देंगे। उसके बाद प्रीमियम पेमेंट टर्म के बारे में पूछा जाता है। यदि पॉलिसी लेते समय आपने लिमिटेड प्रीमियम वाले ऑप्शन का चुनाव किया था तो आपको यहाँ पर किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना होता है, और यदि आपने रेगुलर या सिंगल प्रीमियम वाले ऑप्शन का चुनाव किया था तो आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म वाले ऑप्शन को खाली छोड़ देना होता है। जो भी आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म है उसे देखकर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे हमसे पूछा जाता है कि आप अपने पैसों को कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें आप ईयरली प्रीमियम के रूप में जो भी पैसा देते हैं वह बॉन्ड में निवेश किया जाता है। आप अपनी इच्छा अनुसार जिस फंड में चाहें अपने पैसों को निवेश कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हमें कैलकुलेट का ऑप्शन मिलता है। सारी जानकारी को कैलकुलेटर में भरने के बाद हमें कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। मैंने यहाँ पर उन सभी जानकारियों को जो मुझसे इस कैलकुलेटर में पूछी गई थी उन सभी को सही सही भर दिया है। अब हम कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने सक्सेस का मैसेज आता है, इस मैसेज को हम क्लोज करेंगे। राइट हैंड साइड में हमें हमारी पॉलिसी से संबंधित सारी जानकारी मिल जाती है। यहाँ सबसे पहले हमें सम अश्योर्ड के बारे में बताया गया है कि जो हमारा सम अश्योर्ड है जिसे हम बीमा की राशि कहते हैं 5 लाख रुपए है,
इसका मतलब यह हुआ कि यदि पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी पॉलिसी होल्डर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में कम से कम 5 लाख रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। प्रीमियम का भुगतान हम ईयरली कर रहे हैं, ईयरली प्रीमियम के रूप में हम 50,000 रुपए का भुगतान कर रहे हैं। जो हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म है 15 साल का है, यानी कि ईयरली प्रीमियम के रूप में 50,000 रुपए हमें लगातार 15 साल तक देना है, और हमारा जो पॉलिसी टर्म है वह 30 साल का है। जैसे ही पॉलिसी टर्म का 30 साल पूरा हो जाता है और यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म के अंत तक सर्वाइव करता है, तो मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में यदि मिलने वाला बोनस 8% के हिसाब से मिलता है, तो कुल 30,15,314 रुपए का भुगतान किया जाएगा। आप देख सकते हैं मात्र 15 साल तक हमने 50,000 रुपए प्रीमियम के रूप में दिया, यानी कि टोटल 7.5 लाख रुपए हमने कंपनी को प्रीमियम के रूप में दिया। 7.5 लाख रुपए देने में हमने 15 साल का टाइम लिया। उसके बाद 15 साल वेट किए, जैसे ही पॉलिसी टर्म का 30 साल पूरा हो जाता है, तो यदि बोनस 8% के हिसाब से मिलता है तो हमें 30,15,314 रुपए मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में मिलता है। स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी में मिलने वाला बोनस हो सकता है 8% से अधिक, यानी कि 10%, 12% या 14% तक का भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को कैलकुलेटर का प्रयोग करना आ गया होगा। आसानी से कैलकुलेटर का प्रयोग करके आप मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।